नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन पंडित, आप लोग को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और वीडियो देखने के बाद कमेंट लिखिएगा। आज इस वीडियो में दिखाएंगे, ब्लाउज आपका पुराना हो जाता है तो फट जाता है, अल्टर हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं या तो मैंने रिजेक्ट हो जाता है, तो उस तरह का समस्या है। तो अल्टर आप लोग घर पर ही ठीक कर लीजिएगा तो कुछ दिन और पहना जा सकता है। इस वीडियो में आप लोग को देखने को सीखने को मिलेगा किस तरह से हम उसको ठीक करते हैं ताकि कुछ दिन और ज़्यादा पहना जा सकेगा। आइए मशीन में, ये पुराना ब्लाउज है, इसका हाथ फट गया था। तो क्या किया दोस्तों, तो इसका कपड़ा ये नया कपड़ा ला दिए हैं, ये कपड़ा से इसमें हाथ बना देंगे। बाकी ब्लाउज पहनने लायक समूचा है, ये नेट वाला था लगता है हाथ में, ये फट गया है, तो जिसके चलते नेट जल्दी फट जाता है। तो अभी बाकी समूचा कपड़ा ठीक है, ये हाथ लगने से कुछ दिन और पहना जा सकता है। तो इसमें कपड़ा देखते हैं कितना लाए हैं, कपड़ा लाया है 10 सेंटीमीटर का, कितना लाया है इसमें, ये हमको हाथ बनाना है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, इसमें हाथ बना देंगे तो कुछ दिन। ये जोड़ा ये डबल है, ये कपड़ा डबल ले लिए, मोड़ दिए, इसको देखिए कितना पौने साथ लिए हैं, ठीक है, पौने साथ लेने के बाद ये हाथ कितना है, हाथ है 4 इंची है, तो यहाँ से 4 इंची और 2.5 इंची ढालू रहेगा, ठीक है, 2.5 इंची, ये 2.5 इंची ढालू रहता है। इस तरह से हम हाथ का पॉइंट दे दिए, देने के बाद इसको हम काट देते हैं, हाथ काट दिए, ठीक है, काटने के बाद ये कपड़ा जोड़ करके थोड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह मोड़ देंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो क्या करना, यही कपड़ा किनारे देकर के हम वही कर देंगे तो कपड़ा ज़्यादा छोटा नहीं होगा, इसलिए इसको इसी कपड़ा का फिर आपको कपड़ा हाथ के लिए लगभग देखिए जितना आपका हाथ चाहिए, मान कर चलते हैं आपका हाथ चाहिए 4 इंच हाथ चाहिए, तो आपको कपड़ा लेना पड़ेगा, लगभग कपड़ा लेने का पड़ेगा आपका 6 इंच लेना पड़ेगा, नहीं 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो 4 इंची आपका एकदम परफेक्ट आपको फर्स्ट क्लास बन जाता है। मगर ये इसमें क्या है, 10 सेंटीमीटर लाया है तो इसमें नहीं ये हो रहा है, मेकअप हो रहा है, तो कपड़ा को जोड़ना पड़ेगा। उस इस तरह से हम कर रहे हैं, ये कपड़ा देकर हम मोड़ लिए, ठीक है, यदि आपका 15 सेंटीमीटर रहेगा तो आप डायरेक्ट मोड़ लीजिएगा, ये कम कपड़ा था जिसके चलते ज्वाइन करके यहाँ पर मोड़ दिए, ठीक है, इस तरह रेडीमेड की तरह सिलाई मैंने कर दिया। अब इसको क्या करना है, इसका जो घेर है जितना घेर होना चाहिए, ये नापी दिया है घेर का, इसी नापी से अब आप इसको हमको दाबना है, ठीक है, इस तरह से इसको टान टान करके दाबेंगे, जितना टान करके, क्योंकि ये टाना ये घिंचाता है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा हल्का, नहीं तो ठीक है, इस तरह से ये बायां वाला हाथ है, देखिए कम बेसी है, ये दाहिना वाला, ठीक है, अब बायां वाला जैसे ये बायां वाला बायां तरफ इस तरह से हम इसको सेटिंग करेंगे, ठीक है, देख लेंगे ये जॉइंट, ये मुंडा और ये जॉइंट, ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ से हमको शुरू करना है जॉइंट, और ये सब पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से पकड़ करके उठा लेते हैं, इस तरह से करने के बाद इस तरह से हम ये हाथ का पॉइंट, ये जॉइंट पूरा मैचिंग हो रहा, मैंने मिल रहा है, इसका मतलब ठीक है, इस तरह से ये जॉइंट को पीछे कर दीजिए, इस तरह से हाथ को पूरा बैठा लेते हैं, ये स्लाइस दो बार चला देंगे, ये मैं बायां वाला हो गया, अब इसी तरह से दाहिना वाला भी लगाएंगे, अब दाहिना वाला भी इसी तरह से यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, यहाँ ये जॉइंट को नीचे यहाँ से पकड़ेंगे, ध्यान रखिएगा ये जॉइंट और ये जॉइंट जो हाथ का होगा थोड़ा आगे तरफ होगा, सामने तरफ, ठीक है, ये जॉइंट से इधर नहीं होना चाहिए, जॉइंट से थोड़ा सा इधर होगा, 2 सूता इधर करना चाहिए, नहीं तो ठीक है, नहीं तो एकदम जॉइंट में होगा ठीक चलेगा, मगर पीछे तो नहीं कीजिए, बस इस तरह से ठीक से पकड़िए, ये ज़्यादा है, देखिए इस तरह मत करना, इसको क्या करना है, इस तरह मोड़ कर इस तरह कर, ये ज़्यादा है इसलिए इस तरह कर दीजिएगा और इस तरह मोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसके बाद सिलाई कर दीजिए, कंधा वाला जो है ना आगे तरफ नहीं होगा, कंधा वाला ये पीठ है पीछे है, पीछे तरफ ही होगा, ये भी पीछे तरफ होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नया हो या पुराना हो सब में सिस्टम उसी तरह है। इसके बाद धीरे धीरे पूरा और मैचिंग करके एक चाप की दूरी से पूरा सिलाई कर दीजिए, जैसे नया में करते हैं उसी तरह से, कुछ ज़्यादा कपड़ा है इसलिए इसको भी इस तरह से मोड़ देंगे, इस तरह से मोड़ने के बाद इस तरह से हम बिठा करके सीधा सिलाई कर देंगे, और इस तरह से सिलाई पूरा दो बार घुमा देंगे, ठीक है, ताकि क्या होगा तो सिलाई मजबूत रहेगा, इस तरह से हम दो बार घुमा देते हैं, इस तरह से दो बार घुमा लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए।
कैन ये इस तरह से, ये मेरा हो गया। अब ये भी हाथ, देखिए ये भी हाथ मेरा लग कर रेडी हो गया, ठीक है। ये दाहिना वाला हाथ हो गया और ये आपका बायां वाला, देखिए ये हाथ। थोड़ा सा कपड़ा मैचिंग कम है, थोड़ा सा 19-20 है मैंने ये मैचिंग, वो ग्राहक जो जिनका है उसी ने ला कर दिया है, तो ये हमने हाथ को लगा दिए, ठीक है। इस तरह से आपका भी घर में इस तरह का यदि मैंने फटता है या हाथ लगा देने से ही आपका ब्लाउज पहनने लायक होगा, तो आप लोग ज़रूर ये फार्मूला अपनाइएगा। इस वीडियो से आप लोग को कुछ नॉलेज मिला, कुछ सीखने को मिला, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और यदि आपका रिलेटिव में कोई टेलरिंग सीख रहा है तो उनको आप शेयर कर सकते हैं मेरा इस चैनल को, ताकि क्या होगा उसको घर बैठे ही बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा और सीखने को बहुत सारा काफ़ी उसको मदद मिल सकता है। और भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारा लिंक है, वहाँ पर भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और एंड स्क्रीन में भी वीडियो आपको दिखाई देगा, उसको भी क्लिक कीजिएगा तो आप उस वीडियो में उस वीडियो जाकर देख सकते हैं। दूसरा वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।